किसको पसंद नहीं है, आइदर बिलियनियर को और आइदर एक बंदे को। यहाँ पे आपको ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों बुलंद मिलेंगे एक साथ, उनका जो वॉर, उनका जो धमाका है मैम, इट्स माइंड ब्लोइंग। मुझे तो बॉडी अच्छी लगी, दोनों की सिक्स पैक माशाल्लाह। बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत एक्शन बहुत अच्छे थे। मैं तो कह रहा हूँ इस बार वार टू आनी चाहिए और जल्दी। इंतजार कर रहे हो आप? मैं कहना इतना वेट तो हम अपने गाँव में नहीं करते, यहाँ पे देखने आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिरे सिरे जिन्हें सिरे कहते हैं। 5 में से कितने स्टार दे रहे हो? 5 में से कितने स्टार्स दोगे? 10 100 100। कैसी लगी आपको मूवी? मूवी बहुत अच्छी थी, उसमें उसकी एक्टिंग, दोनों हीरोज की फाइटिंग और रोमांस बहुत अच्छा था। तो इसमें एक्शन भी है? हाँ, एक्शन बहुत कुछ देखने को मिलेगा और मैंने इंजॉय किया पूरा। 5 में से कितने स्टार दे रहे हो? 4.5। अच्छी मूवी थी, एक्शन मूवी थी, मज़ा आया। स्टोरी कैसी लगी आपको? बढ़िया स्टोरी। 5 में से कितने स्टार दोगे? 5। मूवी बहुत अच्छी है, फुल मूवी एंजॉय करी हमने, एंड इट्स यू नीड टू वॉच दिस मूवी। इसमें जो स्टोरी थी वो कैसी थी? इट वॉज अ गुड स्टोरी एंड होल ओवर होल मूवी बहुत अच्छी थी। सो अगर आपको देखना चाहते हो तो आपको देखनी चाहिए एंड यू विल एंजॉय द मूवी। कितने स्टार दोगे 5 में से? आउट ऑफ 5। मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी और ऋतिक रोशन की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी उसमें, माइंड ब्लोइंग एक्टिंग। तो जो इसमें एक्शन था वो कैसा था? काफ़ी मस्त था। तो 5 में से कितने स्टार दे रहे हो? 4.5। थैंक यू। इट वॉज अ नाइस मूवी, मेनली द सॉन्ग घुंगरू वॉज ऑसम एंड इट वॉज नाइस फीचरिंग ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ एंड वानी कपूर, एंड इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू। स्टोरी कैसी थी मैम? इट वॉज नाइस, इट वॉज डिसेंट स्टोरी, आई विल रेट इट 3.5। इट्स अ वेरी फैंटास्टिक मूवी एंड इट इज फुल ऑफ एक्शन। मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी मूवी है और टाइगर श्रॉफ ने बहुत अच्छा काम किया है और सबको ये विजिट करनी चाहिए, मूवी देखनी चाहिए एक बार, फैंटास्टिक मूवी, आई एंजॉयड इट लॉट। स्टोरी कैसी लगी आपको? स्टोरी बहुत ही अच्छी है, ये एक्शन मूवी है और आप एक बार देखने जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ऐसे रिवील करने में मे बी नॉट बेनिफिशियल, सो आप एक बार देखने जाएं, इट्स अ वेरी फैंटास्टिक मूवी। तो सर मूवी कैसी लगी आपको? मैम इट वाज एन एक्सीलेंट मूवी। पता क्या, अभी आपको पता है सीजन का टाइम है, फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गए हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं, लोगों के पास आजकल जो लोग मोदी राज में ग्रोथ ज़्यादा है, लोगों को पैसा है, लोग सबसे बढ़िया एंटरटेन मॉल में जाओ पिक्चर देखो, और अभी आपको पता होगा ट्रेंड चल रहा था ड्रीम गर्ल, छिछोरे, तो ये कॉमेडी देख देखे ना कष्ट लगा, लेकिन ये वॉर फिल्म यश राज ने, ओ माई गॉड मैम, आप बताइए कि 1+1 फ्री का कॉम्बो ऑफर चलता है, किसको पसंद नहीं है, आइदर बिलियनियर को और आइदर एक बंदे को। यहाँ पे आपको ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों बुलंद मिलेंगे एक साथ, उनका जो वॉर, उनका जो धमाका है मैम, इट्स माइंड ब्लोइंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री में। यशराज बैनर, थैंक यू वेरी मच, आपने एंटरटेन किया, कॉमेडी ठीक है, जॉनर अच्छा है, लेकिन इसमें आई थिंक 2019 की द बेस्ट एक्शन मूवी का अवार्ड, और अब इसमें जनता ने डिसाइड करना है कि ऋतिक इज बेस्ट और टाइगर श्रॉफ इज द बेस्ट, बिकॉज दोनों है वो सीनियर है जूनियर है, बट आपने डिसाइड करना है। तो मेरी नज़रों में मैं तो आंसर नहीं दे पाऊंगा कौन बेस्ट है, दोनों 1/19 है 1/21 है, बट इट वाज एन एक्सीलेंट मूवी, मस्ट वॉच मूवी, एवरीबॉडी हैज टू वॉच मूवी, इट अ डिलाइटेड वॉच मूवी। तो एक्शन मूवी है पूरी तरह से? इट्स अ टोटली एक्शन मूवी, ठीक है वहाँ पे हीरोइन है वन, लेकिन दैट इज ओनली फॉर आइटम सॉन्ग एंड दैट इज ओनली फॉर चिल फैक्टर, ठीक है गानों आंखों को ठंडक देने के लिए, इट्स वॉज वेरी गुड, वानी कपूर डन एक्सीलेंट जॉब, सबको पता है इज एक्सीलेंट डांसर, बट उसका काम सिर्फ वो है, लेकिन इट वॉज ए कम्प्लीट एक्शन, और ये फिल्म देख के आप हॉलीवुड को बाकी करेंगे कि हमारा बॉलीवुड हॉलीवुड से कम नहीं है, जो एक्शन थ्रिलर दिए हैं, और इसमें क्रेडिट मैं देना चाहूँगा दोनों एक्टर को भी, उन्होंने भरपूर मेहनत की है, और एक्शन डायरेक्टर का भी और मेन डायरेक्टर सिद्धार्थनाथ का एंड प्लस आदित्य चोपड़ा का, जिन्होंने ऐसी फिल्म देखी इंडियन ऑडियंस को बॉलीवुड में रह के हॉलीवुड का एंटरटेन करवा दिया, एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दैट आदित्य चोपड़ा। मैम इसमें 5 में से 4.5, जस्ट 0.5 मिसिंग ओनली द एंड, उसमें थोड़ा सा वो चाहते तो कुछ बेटर कर सकते थे, लेकिन उनका लॉजिक पॉइंट है एंड बट आई थिंक इट्स 4.5, इट वॉज ए मस्ट वॉच एक्सीलेंट मूवी, यशराज द बेस्ट एक्शन फिल्म ऑफ 2019, और ये फिल्म लंबे टाइम तक याद रखी जाएगी और ये फिल्म लंबे टाइम तक चलेगी, बिकॉज एक्शन के लिए दीवानों के लिए दिस इज यू नो बोनांजा। मूवी काफ़ी अच्छी है, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों के एक्शन सीन्स काफ़ी अच्छे हैं और मूवी मुझे ओवरऑल अच्छी लगी है एक्शन में। तो जिसमें स्टोरी थी, जो पूरी स्टोरी थी वो कैसी थी? ओवरऑल स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को मूवी की। तो एक्शन मूवी है पूरी? हाँ जी पूरी एक्शन मूवी है और दोनों का जो रोल है वो काफ़ी ज़रा इंटरमैच करा एक दूसरे को। तो 5 में से कितने स्टार दोगे आप? 5/5। कैसी लगी आपको मूवी? अच्छी लगी। सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा? फाइट एक्शन सीन। टाइगर श्रॉफ कैसे लगे? सॉरी टाइगर श्रॉफ कैसे लगे आपको?
बहुत अच्छे थे, ऋतिक ज़्यादा अच्छे थे. मतलब वो ज़्यादा उसमें फाइट सीन के थे, एक्शन अच्छे. फाइव में से कितने स्टार दे रहे हो? फाइव. अच्छी थी मैम, बहुत अच्छी. स्टोरी कैसी है पूरी? अच्छी है मैम, बहुत अच्छी लगी हमें. एक्टिंग सबसे ज़्यादा अच्छी किसकी लगी? टाइगर श्रॉफ. फाइव में से कितने स्टार्स दे रहे हो? फाइव. क्या अच्छा था इसमें? स्टोरी अच्छी थी? कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी. आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी. आपको? अच्छी लगी. कितने स्टार दे रहे हो फाइव में से? फोर. टेन. फाइव में से फाइव. गो मूवी बहुत अच्छी. एक्शन अच्छा था इसमें? क्या था अच्छा? बहुत अच्छी थी इसमें. कामयाबी थी, देश के लिए किया है बहुत कुछ. बहुत अच्छी थी. नाइस. फाइव में से कितने स्टार्स दे रहे हो? फाइव में से फोर एंड हाफ. गुड मूवी. आफ्टर लॉन्ग गुड एक्शन मूवी हैज कम. इट सीम्स गुड. एक्टर्स जो हैं? एक्टर्स दोनों एक्टर्स ने अच्छा काम किया. एक्ट्रेस जो है शी जस्ट इट्स अ स्मॉल अपीयरेंस फॉर हर, बट एज फॉर द एक्टर्स आर कंसर्न दे बोथ हैव डन अ गुड वर्क. टाइगर श्रॉफ एंड ऋतिक बोथ. आपको कैसी लगी मूवी? कौन सी मूवी देखकर आ रहे हो? हाउसफुल 4 देख के आ रही हूं. ओके, कैसी लगी मूवी? इट्स नाइस. एवरीवन हैव टू सी दिस मूवी. स्टोरी की बात करें तो क्या कॉमेडी है इसमें? कॉमेडी है. मस्ट बी, वी हैव टू वॉच दिस मूवी. यस. अक्षय कुमार और जॉनी लीवर. अक्षय कुमार. एक्टिंग अच्छी लगी आपको? हां जी, अच्छी लगी. मजा आया देखकर मूवी? हां जी, इट्स फैमिली मूवी. तो 5 में से कितने पॉइंट्स दोगे? 4. दैट वाज ऑसम थ्रिलर मूवी. यस. तो स्टोरी कैसी थी मूवी की? स्टोरी इट वाज लाइक सस्पिशियस एंड A lot of entertainment was there. So five में से कितने स्टार दे रहे हो? हाँ, 5 में से कितने स्टार दोगे? 4 stars. It was nice. Okay, story कैसी है? Story भी बहुत अच्छी है. 5 में से कितने स्टार दोगे? 4. It was really beautiful, beautiful songs and acting. दिल करता है कि मैं 10 वाली पिक्चर देखा. रियली. एंड आफ्टर इंटरवल और भी ज़्यादा इमोशनल. एंड फैमिली इज बोथ सेटल. आई लव दिस मूवी. आई हैव नेवर सीन लाइक दिस. स्टोरी में मज़ा आया? हाँ. 5 में से कितने स्टार दोगे? 5 में से 6. कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी मूवी है, बहुत एंटरटेनिंग है. हाउसफुल पुरानी वाली की तरह ये भी बहुत एंटरटेनिंग है. इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिंग किसकी अच्छी लगी? वैसे तो सबकी बहुत अच्छी है, बट बॉबी देओल की भी बहुत अच्छी है. अक्षय सबकी अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी है. जॉनी लीवर भी है इसमें. तो स्टोरी में मज़ा आया? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सबको देखनी चाहिए. तो 5 में से कितने पॉइंट्स दोगे? आई विल गिव 4.5. अच्छी थी. कॉन्सेप्ट अच्छा था, जो बैक स्टोरी हिस्ट्री वाला था अच्छा था. बहुत अच्छी. जो उसका अक्षय कुमार स्पेशली दो रोल कर रहा है, एक वो यंग वाला और वो बैक वाला, तो अच्छी थी. गंजा था ना. आई थिंक 4.5. अच्छी मूवी थी, फुल ऑफ फन और एक्टिंग भी अच्छी थी. जो स्टार्स हैं पहले से देख रहे हैं हाउसफुल 2 हाउसफुल 1, तो अच्छी थी हिसाब से ना. इसमें कॉमेडी है मैम? फुल ऑन कॉमेडी है मैम और अच्छी जा रही थी. जॉनी लीवर एक्टिंग और अक्षय कुमार की? मैम जॉनी लीवर अपनी जगह पे अच्छे थे और अक्षय कुमार सर अपनी जगह पे अच्छे हैं, तो अच्छी थी. तो कितने पॉइंट्स दे रहे हैं मूवी को? आउट ऑफ 4.5. सर आपको कैसी लगी मूवी? अच्छी है मैम, मूवी बहुत अच्छी है. कॉमेडी है, अक्षय कुमार की कॉमेडी है, जॉनी लीवर की काफ़ी अच्छी कॉमेडी की हुई है. मज़ा आया मूवी देखकर? हाँ जी मैम, काफ़ी मज़ा आया मूवी देख के. स्टोरी कैसी लगी आपको? ठीक है मैम, अच्छी है स्टोरी. तो 5 में से कितने पॉइंट्स दोगे? 4. बहुत सोनी मूवी आई. अच्छी लगी मूवी. स्टोरी कैसी है? ओके रिपोर्ट है. 5 में से कितने स्टार दोगे? हाँ जी 5 में से कितने स्टार दोगे? बढ़िया है ना, कैंडा मूवी. 5 में से कितने स्टार दोगे? 4, 3, 2, 1. 1. तो कौन सी मूवी देखकर आ रहे हो? हाउसफुल 4. कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी मूवी है, बहुत से उसके पागल हो गए हम लोग. बहुत जबरदस्त. में अक्षय कुमार मेरा फेवरेट हीरो है. मज़ा आ गया मूवी देखे. स्टोरी में कितना मज़ा आया? बहुत मज़ा आया. काफ़ी एंटरटेनिंग मूवी थी, काफ़ी फनी मूवी थी. मस्ट वॉच मूवी. कितने पॉइंट्स दोगे 5 में से? 5 में से 4.5. तो मैम आप भी मूवी देख कर आ रहे हो, कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी मूवी, इतनी फनी थी, हंस हंस के पेट दर्द हो रहा है देख के. अभी तक भी हमारी हंसी नहीं रुक रही मूवी देख देख के. क्या मूवी थी वो. तो सबसे ज्यादा एक्टिंग किसकी अच्छी लगी? अक्षय की एक्टिंग तो माशाल्लाह थी. तो कितने पॉइंट्स दोगे 5 में से? 4.9. इतनी अच्छी लगी. कैसी लगी आपको? अच्छी थी, ठीक थी, कॉमेडी थी. मजा आया मूवी देख कर? हाँ मजा आया. तो अक्षय कुमार की एक्टिंग कितनी अच्छी लगी? अक्षय कुमार की सबसे ज्यादा अच्छी थी. बॉबी देओल की? बॉबी देओल की ठीक थी. कितने पॉइंट्स दोगे 5 में से? 5 में से 3.5. तो मैम आपको कैसी लगी मूवी? अच्छी थी, कॉमेडियन है और इसमें अक्षय कुमार की एक्टिंग सबसे अच्छी लगी. अक्षय कुमार फेवरेट है? फेवरेट. गेट सो है. और रिव्यूज 5 में से 4 अराउंड. बहुत बढ़िया थी, फ्रेंड्स के साथ आते, ट्रेलर बढ़िया लगा था, मूवी देखने आए, काफ़ी बढ़िया थी. अक्षय कुमार सर का रोल बहुत बेस्ट लगा, जो एक रोल आता है अरे तेरा बाप तक ले आ, वो बेस्ट था पार्ट.
बाकी काफी डिफरेंट स्टोरी थी, लाइक हम पुराने जमाने में जाते हैं, अपना पास्ट याद आता है, तो दैट वाज क्वाइट डिफरेंट, थोड़ा बाकियों से अलग था, अच्छा था, बट कॉमेडी अच्छी थी। पॉइंट्स 8 out of 10। मूवी बहुत अच्छी थी, अक्षय सर है तो फिर मूवी देखनी तो बनती है, जैसे मर्जी हो तो बस उनके लिए तो आए थे स्पेशल देखने। कॉमेडी तो पूरी है, अगर हाउसफुल है, हाउसफुल के सारे टीजर्स देखे हैं, सारे कॉमेडी है। 5 में से 4, 4.5। मुझे आई थिंक अक्षय कुमार की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी एंड मूवी ओवरऑल बहुत अच्छी थी। आई थिंक अक्षय कुमार सबसे ज़्यादा अच्छा था ऑफ ऑल ऑफ देम, ही वॉज द बेस्ट। 5 में से 4, 4.5। मूवी अच्छी थी, बच्चों ने फुल एंजॉय किया, एंजॉय करके आ रहे हो, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। सबसे ज़्यादा एक्टिंग किसकी अच्छी लगी? वो बाला ही आखिरी पास था। मूवी वॉज गुड, kids enjoyed it, that's the most important thing. Thank you. Movie bahut achhi thi, maza aa gaya dekh ke ekdam. To friends ke sath enjoy kiya pura? Haan, friends ke sath dekhne aaye the, maza aaya pura. Bahut achhi movie thi. Kitne points doge 5 mein se? 5 mein se 4.3. Kaisi lagi aapko? Bahut badhiya movie. Sabse zyada acha kya laga movie mein? Acting bahut badhiya, comedy bahut hai. Okay. Akshay Kumar di acting badhiya lagi bahut zyada. Aur yehi abhi purane zamane de banayi hui badhiya banayi hui hai. Sara kuch dass rahe purane zamane bare. पॉइंट्स दे रहे हो 5 में से, कितने पॉइंट्स जाएंगे मूवी को? 4। अच्छी लगी। सबसे ज़्यादा एक्टिंग किसकी अच्छी लगी? अक्षय कुमार की। और उसकी रणजीत की एक्ट अच्छी लगी, रणजीत की। कॉमेडी है? हाँ, फुल कॉमेडी। 5 में से अगर पॉइंट देने हो मूवी को तो कितने पॉइंट होगी? 8। मूवी बहुत अच्छी है और स्पेशली अक्षय, उसकी एक्टिंग ऑसम है और बहुत ज़्यादा फनी है। मतलब जो एक्सपेक्ट करके गए थे कि कॉमेडी अच्छी होगी तो वो अच्छी है और एंटरटेनमेंट है, फुल ऑन पैसा वसूल है। सबसे ज्यादा एक्टिंग किसकी अच्छी लगी? ऑब्वियसली अक्षय। अक्षय और रितेश। तो 5 में से कितने पॉइंट्स दोगे? 4.5। बढ़िया मूवी थी और कॉमेडी सीन अच्छे थे, एक्शन भी तगड़ा था, स्टोरी भी कमाल थी और सही थी, तगड़ी मूवी थी। सबसे ज्यादा एक्टिंग किसकी अच्छी लगी? अक्षय कुमार की। बाला है तो बाला इज अ गुड एक्टर, बाला बार बार भूल जाता था कोई भी आवाज सुनकर, तो इज अ गुड एक्टर। तो फैमिली के साथ देखने वाली मूवी है? फैमिली के साथ भी है, फ्रेंड्स के साथ भी है, जैसे फैमिली और फ्रेंड दोनों के साथ देख सकते हैं। तो 5 में से कितने पॉइंट्स दे रहे हो? 5, 4.5।